नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश क्रिसमस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर धर्म अपने तरीके से प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है और हर त्यौहार की अपनी एक खुशबू होती है। इन्हीं में से एक त्यौहार है क्रिसमस। भले ही क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन दुनिया के हर धर्म और समुदाय के लोग इसे खूब उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। दरअसल क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उन्हें सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। खुशियों और मौज मस्ती के इस त्यौहार को बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार पर पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइट और क्रिसमस ट्री को सजाकर एक कमाल की पॉजिटिव ऊर्जा का माहौल बना दिया जाता है। इस दिन लोग न एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि तोहफे बांटना भी इस त्यौहार का अहम हिस्सा है। और सांता क्लॉस का क्या कहना, कहते हैं सांता क्लॉस स्वर्ग से आते हैं और लोगों को मनचाही चीजें गिफ्ट के तौर पर देकर जाते हैं। सांता से मिलने वाली चॉकलेट्स और गिफ्ट्स बच्चों की सभी मुरादों को पूरा कर देती हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर कार्ड बांटने तक हर तरीके से यह त्यौहार प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। इसके साथ ही क्रिसमस ईसा मसीह के पवित्र संदेश को फैलाने का जरिया है। तो आज हम बात करेंगे क्रिसमस त्यौहार की, जानेंगे पूरी दुनिया में कैसा है क्रिसमस का जल्द। इसके साथ ही बात करेंगे क्रिसमस त्यौहार के शुरुआत से जुड़े हुए कुछ पहलुओं की। तो आइए देखते हैं दुनिया भर में क्रिसमस की कैसी है धूम। क्रिसमस यानी ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार। इस त्यौहार को पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म से जुड़े इस त्यौहार पर घरों और गिरजाघरों में खास सजावट देखने को मिलती है। लोग विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस पर अलग ही छटा देखने को मिलती है। भर के गिरजाघर रोशनी से जगमगा रहे हैं। फिजाओं में जिंगल बैल की धुन खुल जाती है। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न देखने को मिल रहा है। ईसा मसीह के जन्म से जुड़े इस त्योहार में चारों ओर खुशियों की बयार है। ईसा मसीह के गुणगान के साथ गिरजाघरों और आम घरों में कैरोल गूंज रहा है। क्रिसमस के मौके पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। भारत समेत दुनिया के अलग अलग मुल्कों में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ईसा मसीह की जन्मस्थली बैथलहम की। बैथलहम पश्चिमी तट के यरूशलम के करीब है, लेकिन वो इजराइल के पार्थ बैरियर के चलते शहर से कटा हुआ है। दुनिया भर से ईसाई तीर्थयात्री क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बैथलहम पहुंचते हैं और उस स्थान का दर्शन करने के लिए धार्मिक जुलूस में हिस्सा लेते हैं, जहां माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। फलस्तीनी स्काउट्स झंडा लहराकर और बैग पाइपर पर संगीत की धुन बजाकर स्क्वायर पर जुलूस निकाले जाते हैं। ये जुलूस प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थल चर्च ऑफ नेटिविटी से निकाला जाता है, जहां लोगों को विशाल क्रिसमस ट्री भी देखने को मिलता है और सामूहिक प्रार्थना होती है। अब बात वेटिकन सिटी की। पूरी दुनिया में वेटिकन सिटी के क्रिसमस की बात ही निराली होती है। वेटिकन की बासिलिका ऑफ सेंट पीटर चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों लोग जमा होते हैं। यूँ तो ऐतिहासिक चर्च सेंट पीटर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए साल भर दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन क्रिसमस पर यहाँ का माहौल बेहद अलग होता है। ब्रिटेन,
सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मेक्सिको में क्रिसमस की रौनक देखते बनती है। इन जगहों के अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। क्रिसमस सेलिब्रेशन, दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक, गिरजाघरों में कैरोल की गूंज, रोशनी से जगमगा रहे गिरजाघर, फिजाओं में जिंगल बैल की धुन, ईसा मसीह की जन्म स्थली बेथलहम में खास आयोजन, वेटिकन सिटी में क्रिसमस की अलग छटा, सैंटा को लेकर बच्चों में उत्साह, घरों और चर्चों की सजावट से बढ़ी रौनक। क्रिसमस हमें ये तथ्य की याद दिलाता है कि प्रभु ईश्वर हमारे बीच एक हो गए। ईश्वर ने छरनी में जन्म लिया था। इस अविश्वसनीय घटना की याद करते हैं, ईश्वर हमारे बीच आ गया, इसलिए हम ईसाई लोग जश्न मनाते हैं। दूसरे देशों की तरह भारत में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले केरल और गोवा में इस त्यौहार का जश्न बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। शांति और सद्भाव का त्यौहार क्रिसमस, गोवा में क्रिसमस पर खास रौनक, क्रिसमस पर जश्न में डूबे नजर आते हैं लोग, केरल में क्रिसमस का अलग अंदाज। हर साल सारी दुनिया के लिए 25 दिसंबर क्रिसमस का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। ये हमें ईश्वर के विशेष प्यार इस दुनिया के प्रति, मानव जाति के प्रति, उसको याद करने का, और आज भी ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इस दुनिया में सब कोई एक ईश्वर पिता का संतान है। आपसी प्रेम का संदेश, शांति का संदेश, मित्रता सद्भाव का संदेश, क्षमाशीलता का संदेश, यही तो असली में क्रिसमस का मुख्य संदेश वही है। दुनिया भर में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। इसका बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पूरे साल इंतजार रहता है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस त्योहार का जश्न 24 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है क्रिसमस और कब से हुई क्रिसमस की शुरुआत। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल क्रिसमस जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र यानी सन ऑफ गॉड कहा जाता है। इसी क्राइस्ट से बना है क्रिसमस। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट या जीसस मास से आया है। एक जनसेवा जिसे कभी कभी यूटरिस्ट या कम्युनियन भी कहा जाता है, जिसे ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि यीशु दिवंगत हो गए हैं और फिर अपने लोगों के लिए वापस आ गए हैं। उस समय क्राइस्ट सेवा शाम के बाद और अगले दिन सुबह होने से पहले हुई थी, इसीलिए आधी रात का चलन शुरू हुआ और इसी से क्राइस्ट मास नाम मिला, जिसका छोटा रूप क्रिसमस बाद में प्रचलित हो गया। हालांकि
हालांकि ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हर साल 25 दिसंबर के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भी भविष्यवाणी की गई थी कि धरती पर ईश्वर का एक पुत्र जन्म लेगा जो बड़ा होकर राजा बनेगा और उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। ये पुत्र पूरी दुनिया को कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। लोगों का सही मार्गदर्शन कर सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देगा और पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। हालांकि क्रिसमस को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह के माता पिता जोसेफ और मैरी बेथलहम शहर पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो एक अस्तबल में रहे जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। इसे जीसस ऑफ नेटिविटी भी कहा जाता है। एक गैर मान्यता के अनुसार यूरोप में गैर ईसाई समुदाय के लोग सूर्य के उत्तरायण के मौके पर एक बड़ा त्योहार मनाते थे। इसमें सबसे प्रमुख था सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार। इस तारीख से दिन के लंबे होने की वजह से इसे सूर्य देवता के पुनर्जन्म का दिन माना जाता था। माना जाता है कि इसी वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने इस दिन को ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार क्रिसमस के तौर पर चुना। सबसे पहले 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्योहार पहले रोमन ईसाई सम्राट के समय 336 ईस्वी में मनाया गया। इसके कुछ साल बाद पोप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन मनाने का ऐलान कर दिया। तब से दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार पूरी उमंग और जोश के साथ मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी इसे इतने ही उत्साह से मनाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर लोग एक दूसरे को बधाई और गिफ्ट्स देते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं और केक भी काटते हैं। साथ ही क्रिसमस ट्री को भी सजाने की परंपरा है। क्रिसमस कैसे पड़ा नाम। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्रिसमस। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट या जीसस मास से आया। बैथलहम में हुआ प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहली बार 25 दिसंबर 336 ईस्वी में मनाया गया। क्रिसमस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। जैसे ही दिसंबर का महीना आता है फिजाओं में जिंगल बेल की धुन खुलने लगती है तो क्या बच्चे और क्या बड़े सभी उत्साह से भर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका सेंटा आएगा और उनके लिए ढेर सारे खूबसूरत तोहफे लाएगा। आइए जानते हैं कौन है सेंटा और बच्चों को क्यों रहता है सेंटा का इंतजार। क्रिसमस पर जिंगल बेल की धुन फिजाओं में घुल जाती है। बच्चे ना बड़े सभी जिंगल बेल की धुन पर झूमते नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं जिंगल बेल गाने का इतिहास और पहली बार किस देश में गाना कंपोज हुआ था। क्रिसमस से इस गाने का क्या है कनेक्शन। मौके पर पूरी दुनिया में जिस गाने को सबसे ज्यादा सुना जाता है वो है सिंगल बेल सॉन्ग। बच्चे हो या बड़े हर जुबान पर अमेरिकी गाना सिंगल बेल ही रहता है। माना जाता है कि बोस्टन सिटी के मैट फॉल सिटी के 19 हाई स्ट्रीट पे सिंगल बेल गाने को सबसे पहले लिखा गया था।
इस जगह को ही जिंगल बेल का बर्थ प्लेस कहा जाता है। मेटफोर्ड हिस्ट्री सोसाइटी की माने तो 19वीं सदी में टाउन के पॉपुलर प्ले से इंस्पायर होकर फायर पॉइंट ने इस गाने को लिखा था। 1857 में गाना पब्लिश हुआ था। जिंगल बेल का ये गाना जेम्स लॉल फायर पॉइंट ने किया था। इस गाने को जिस समय रिलीज किया गया था तो इसे वन हॉर्स ओपन स्ले का टाइटल दिया गया था। जानकारों की माने तो जिंगल बेल को सेल बेल भी फिलहाल अनादि टीवी की खास पेशकश क्रिसमस स्पेशल में इतना ही। हम फिर पेश होंगे आपके सामने नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ, देखते रहिए देश और दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।